enjoy it. पर जब जॉब नहीं रहेगी तब तो आज जॉब है कल नहीं है ना. तो लिबरलाइजेशन की वजह से यू ऑलवेज हैव इनसिक्योरिटी अबाउट योर मॉनिटरी रिसोर्सेज. तो मॉनिटरी रिसोर्सेज में जब भी इनसिक्योरिटी होगी इट्स ऑलवेज बेटर टू सेव समथिंग इन केस कि आपके वो मॉनिटरी रिसोर्सेज आगे जाके काम नहीं करेंगे. अगर इंडिया के एस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पहले यहाँ पर जॉइंट फैमिली हुआ करते थे, है ना. तो यू नो यू बीइंग पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली आप भले ना 20,000 कमाते हो, 5,000-6,000 कंट्रीब्यूशन तो आप एक बात करते हो, आपके बच्चे कहाँ बड़े हो जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा, स्कूल की फीस कहाँ से निकल आएगी किसी को पता नहीं चलेगा. और जॉइंट फैमिली सिस्टम में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब यू नो रिटायर उसके बाद जो आपके बच्चे जॉब कमाने लायक हो गए वो घर का खर्चा चलाते हैं. You don't have to save anything. है ना, क्योंकि जनरेशन जनरेशन जैसे ही चेंज होती जाएगी अर्निंग कैपेसिटी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगी, है ना. क्योंकि एक जमाने में ऐसा था कि मेरे दादाजी 65 rupees कमाते थे पर मंथ, है ना. आज 65,000 कमाना है. सो अगर मेरे दादाजी मेरे साथ रहते हैं तो उनको अपने रिटायरमेंट की चिंता ही नहीं है. क्यों? वो बोले ना घर पे बैठे मैं तो कमाने वाला हूँ और मेरी जो इनकम होगी वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगी. बट जब इंडिया में भी वो कल्चर आ गया है कि न्यूक्लियर फैमिली, अब न्यूक्लियर फैमिली होगी तो आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे. टेक योर एग्जांपल, सीएफपी करने के बाद जरूरी नहीं कि आप जो होम टाउन में बैठ के पढ़ रहे हो वही होम टाउन में आपको जॉब मिले. यू हैव टू गो आउट ऑफ सिटी, यू हैव टू गो आउट ऑफ स्टेट, मे बी यू हैव टू गो आउट ऑफ कंट्री. आउट ऑफ कंट्री है तो बेटर ही है ना, कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी. बट अगर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेट है तो कभी कभी ऐसा होगा कि एट द इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर इतना पैसा नहीं मिलेगा कि आप खुद भी सर्वाइव हो जाओ और आपके माँ बाप को भी थोड़ा बहुत भेज पाओ. मीन इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. सो आपका सर्वाइवल आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेट इज डिफिकल्ट, तो मम्मी पापा को कहाँ से पैसा कुछ होगा. सो अगेन प्रॉब्लम ये आती है कि दे हैव टू मैनेज समथिंग ऑन देयर ओन. अब समथिंग ऑन देयर ओन कहाँ से होगा? जब आज से उन्होंने प्लानिंग करी थी, ठीक है ना. अगर इंडिया के कल्चर को देखो और डेवलपमेंट के कल्चर को देखो तो प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आपको बहुत बार ऐसा सुनाई दिया होगा कि यूएस में तो अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस भी है, तो जब आप काम ना करो तो भी आपको पैसे मिलेंगे. वंस यू गेट रिटायर हर महीने आपको गवर्नमेंट पेंशन देगी, मेडिकल फ्री, ऐसी आपको बहुत बातें सुनाई देती है. इंडिया में आपका दादा-दादी को क्या बेनिफिट मिलता है? मेडिकल फ्री है. हाँ, तो मतलब जो जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन लोगों को 2,00,000 रुपये तक का इंश्योरेंस अभी गवर्नमेंट फ्री दे रहे हैं. दैट इज फाइन, तो उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप गरीबी रेखा के नीचे हो. तक शायद हम नहीं है ना. अगर हम वो नहीं है तो फिर हमारा सर्वाइवल हमारे ऊपर है. द गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे, है ना. सो अगेन सारे एक्सपेंडिचर आपको देने पड़ेंगे. सो अगेन प्रॉब्लम ये है कि सोशल सिक्योरिटी नहीं है. दूसरा पहले के अभी भी अपने मम्मी पापा को या दादा दादी को देखो, दे ऑलवेज फोर्स यू टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स. क्यों? चिंता करने की जरूरत नहीं है, पेंशन मिलेगा, है ना. सो पहले के जमाने में क्या था कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करी है तो आपका पेंशन पक्का है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लान. अगर बहुत सारा सेव नहीं किया तो भी सप्लीमेंटेशन की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप यू नो हवा में हो, ऐसा नहीं है. वो पेंशन विल टेक केयर ऑफ योर ऑल रिक्वायरमेंट्स, है ना. पर अब ऐसा नहीं है. आगे जाके यही मॉडल में हम यू नो टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान पढ़ेंगे. वहाँ पर डिफाइंड बेनिफिट आएगा, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन आएगा. टू जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, पहले जब डीबी प्लान थे, डीबी मतलब डिफाइंड बेनिफिट, इसका मतलब है आपकी लास्ट सैलरी के हिसाब से आपका पेंशन बढ़ेगा, है ना. सो अगेन वो बात हो गई इन्फ्लेशन एडजस्टेड. जब आप रिटायर हो गए उससे पहले आपकी जो सैलरी होगी वो सैलरी के हिसाब से आपका पेंशन बनेगा. आगे इन्फ्लेशन एडजस्टेड और फिर बेसिक और डीए तो है. डीए मतलब बीएमएस अलाउंस, हिंदी में बोले तो नो एंडर.
इट्स अ कंपनसेशन फॉर इन्फ्लेशन. टिपिकल गुजराती में बोले तो इट्स मोंगवारी भत्तो, है ना. इट्स अ कंपनसेशन फॉर इन्फ्लेशन, तो जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा. सो अगेन इट्स इन्फ्लेशन. बट अब ऐसा नहीं है नाउ. इवन गवर्नमेंट हैज चेंज फ्रॉम डीबी टू डीसी. डीसी मतलब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन. दैट मींस आपका बेनिफिट पक्का नहीं है. इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द लास्ट सैलरी ड्रॉ. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच हैव यू एक्युमुलेटेड टिल रिटायरमेंट. और उस वक्त जो आपका पेंशन फिक्स हुआ वही पेंशन पूरी जिंदगी चलेगा जब तक आप जीवित हैं, है ना. ठीक है. सो अगेन यू डोंट हैव एनी सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ योर पेंशन, है ना, इन केस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ठीक है. अब गवर्नमेंट में मान लो कि गवर्नमेंट में अभी भी वो बेनिफिट चल रहा है मान लो, पर जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है उनके लिए क्या. लाइक मी, आई एम अ प्रोफेशनल. जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं तो क्रिकेट ट्रेनर हूँ. गला चल रहा है तब तक काम चलेगा. गला जिस दिन नहीं चला उस दिन क्या, है ना. सो वो प्रॉब्लम होगी. फिर प्रोफेशनल है या पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड या पीपल हु आर इनटू अन यू नो रेगुलेटेड काइंड ऑफ अ सिस्टम, जैसे यू नो ठेला वेला चलाते हैं या ऐसी कोई एस्टैब्लिशमेंट है जिसको कोई गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं होते. सो उन लोगों के लिए क्या, रिटायरमेंट के बाद उनका क्या. ये मानो ना फैक्ट्री के लिए जो डेली वेजेस होते हैं तो डेली वेजेस के लिए क्या. सो अगर उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करी देन दे लगा. सो फॉर देम रिटायरमेंट प्लानिंग इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस. जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हो, स्पेसिफिकली जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग में आते हो, तब आपको ये समझना होता है कि हाउ इट गोज फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स वेयर इट गोज. नाउ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर मैं आगे जाके कुछ तीन या चार क्वेश्चन आपको पूछूंगा, अगर वो तीन या चार क्वेश्चन के आपने सही आंसर दे दिए, या एज एन एडवाइजर एज ए फाइनेंशियल प्लानर, इफ यू विल बी यू नो इफ यू आर एबल टू गेट the correct answer of those questions, you will be able to do retirement planning for anybody. The first question is, how much an individual has today? What does that mean? आपको शायद पता हो तो एजुकेशन में फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने एक रेशियो पढ़ा था कॉल्ड नेटवर्क. What is नेटवर्क? Total assets upon total liabilities. Total assets minus liabilities, है? So वो आपकी नेटवर्थ बनती है ना. अब सिंपल सी बात है, आज जो नेटवर्थ है पूरी जिंदगी उतनी नेटवर्थ नहीं रहने वाली. पूरी जिंदगी में आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी. कैसे? आप जो सेविंग्स करते हो प्लस मर्टन दे रहे हो, है ना, तो आपकी वो नेटवर्क बढ़ती जाएगी. पर जैसे मैंने आपको बोला कि मानो कि मेरे फादर बहुत वेल्दी है, मेरे पास 10,000 करोड़ के प्रॉफिट है, डू आई नीड रिटायरमेंट प्लानिंग? नो. बट अगर मेरे फादर वेल्दी नहीं, मेरे पे डिपेंड है और मुझे अपनी एसेट्स भी क्रिएट करनी है और मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि आज मेरे पास नेटवर्क. अब सिंपल सी बात यह है कि आज जो मेरी नेटवर्थ है, आज जो मेरी इनकम है, उस हिसाब से मैं रिटायरमेंट प्लानिंग करूंगा, है ना. बट क्या अगले साल सेम सिनेरियो रहने वाला है? उसके अगले साल नो. द आंसर इज नो. तो बात क्या पड़ी, यू नीड टू रिव्यू योर रिटायरमेंट प्लान एटलीस्ट वंस. द मोस्ट कॉमन रीजन, द सिंपल रीजन इज दैट आज अगर आप 25,000 कमाते हो, यू हैव सर्टन लाइफ स्टैंडर्ड, है ना. कल अगले साल अगर आप 35,000 कमाने शुरू किए तो चेंज योर लाइफ स्टाइल. अगले साल 50,000 कमाना शुरू किए तो चेंज योर लाइफ स्टाइल. दो साल के बाद 1,00,000 कमाना शुरू किया, चेंज योर लाइफ स्टाइल. अब मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की एक साल पहले,
जब रिटायरमेंट के बाद जाओगे तो मेरा एक्सपेंडिचर होगा 2.5 लाख पर मंथ और आपने लिए मेरे लिए सेव किया होगा 35,000 पर मंथ, है ना? क्यों? क्योंकि आपने कभी रिव्यू नहीं किया, मेरे लाइफ स्टैंडर्ड को मैंशन नहीं किया, आपने कभी रिटायरमेंट प्लान किया ही नहीं, ठीक है? सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ रिव्यूइंग योर फाइनेंशियल प्लान एटलीस्ट वंस अ ईयर, क्योंकि एक साल में इंसान के सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं रहते। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, जो बढ़ने वाली है, इफ़ यू आर अ यंग प्रोफेशनल और यू आर अ यंग जॉबर, सिंपल चीज़ ये है कि आज 30,000 की आपकी सैलरी है तो कल उनकी 40,000 होने वाली है, उसके अंदर से 50,000 होने ही वाली है। इट हैज़ टू गो लाइक दिस, है ना? तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपके रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, आपकी लग्जरी बढ़ेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन भी तो बढ़ेगा, तो वैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, है ना? इसीलिए मैंने सेशन के शुरुआत में बहुत सिंपल वे में आपको बोला था कि जो भी कमाते हो उसका 20% सेव करो। और सिंपल चीज ये है, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगा, है ना? ठीक है, सो दैट इज द केस। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ मच डू यू हैव टुडे। देन द सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच वुड यू बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब ये क्वेश्चन का आंसर बहुत टफ है। कैसे? सबसे पहले तो ये बात कि आज जो रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर है, आज जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, उसको अब रिटायरमेंट की एज तक इन्फ्लेट करोगे, है ना? वो याद है ना, एफपी का फॉर्मूला, आज की वैल्यू को रिटायरमेंट की एज तक आप इन्फ्लेट करोगे। तो मानो कि आज अगर आपका 35,000 का खर्चा है, तो ऐसा हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद आपका 1,30,000 का खर्चा आए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है? देन स्टडीज ने ये बताया है, जो सीएफपी आपका सर्टिफिकेशन है वो इंडिया में करीबन 10-12 साल 15 साल पहले आया है, पर बाकी डेवलप्ड कंट्री में बहुत समय से ये प्रैक्टिस हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानर्स, दे से दैट कि जब आप जॉब करते हो या जब आप अर्निंग कैपेसिटी में हो, उसके कंपैरिजन में रिटायरमेंट के बाद आपको करीबन 70-80% इनकम चाहिए। क्यों? सिंपल है, मानो कि आप जॉब